नमस्कार, मैं सुधा जैन। आज हम चर्चा करेंगे अंकेक्षण का क्षेत्र एवं प्रकार। इससे पहले वाली हमारी वीडियो के अंदर या हमारी पीपीटी में हमने ये समझा था कि अंकेक्षण का क्या अभिप्राय है और अंकेक्षण लेखांकन एवं पुष्टपालन से किस प्रकार भिन्न है। और इसके साथ ही हमने चर्चा की थी कि क्या लेखांकन किसी व्यवसाय के लिए अनिवार्य है और अंकेक्षण विलासिता है। इसके पक्ष और विपक्ष में चर्चा करने के पश्चात हमने इसके बारे में निष्कर्ष निकाला था कि अंकेक्षण उसी प्रकार संस्थाओं के लिए आवश्यक है जिस प्रकार की लेखांकन संस्थाओं के लिए आवश्यक है। अंकेक्षण के क्षेत्र का अभिप्राय अंकेक्षक द्वारा संस्था के हिसाब किताब के जांच की परिसीमा को तय करने से है। यानी एक अंकेक्षण के लिए यह तय करना आवश्यक होता है कि अधिक कार्य करने से तो समय एवं शक्ति व्यर्थ जाएगी और कम कार्य करने पर न्यायालय द्वारा उस पर लापरवाही का दोष लगेगा। इसलिए अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित बातें शामिल की जाती हैं। लेखांकन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, इसकी जांच यह जानने के लिए कि क्या ये संस्था के लिए उपयुक्त है तथा सभी लेन देनों को विधिवत लेखा करने में सहायता मिलती है। इससे पहले कई ऐसे परीक्षण किए जाते हैं जो वास्तव में प्रणाली के क्रियान्वयन से संबंधित होते हैं और जो खातों के अंतिम विवरणों को तैयार करने के लिए एक आधार के रूप में अभिलेखों पर विश्वास कर सकें। तंत्र एवं विधियां, ये पर्याप्त एवं व्यापक है या नहीं जानने के लिए उनकी समीक्षा करना और उनकी कमजोरियों तथा अपर्याप्तता को ढूंढना आवश्यक है, जिसकी वजह से कपट या अशुद्धियां अनजाने में चलती जा रही है। इसी प्रकार अंकेक्षक को लेखों की अंकीय शुद्धता की जांच करनी होती है। लेखा पुस्तकों की जांच सभी प्रमाणकों, बीजकों, प्रपत्रों, कार्यवाही पुस्तकों आदि की सहायता से की जाती है। तुलना पत्र या चिट्ठा, तुलना पत्र में दिखाई गई संपत्तियों के अधिकार, विद्यमानता, मूल्य, दायित्व का सत्यापन एवं जांच करना शामिल होता है। प्रविष्टियों की जांच, सहायक प्रपत्रों के माध्यम से प्रविष्टियों की जांच करके उनकी वास्तविकता का सत्यापन किया जाता है। पूंजीगत तथा आगम, यह निश्चित करना होता है कि पूंजीगत एवं आगम प्रकृति के मामलों को पृथक कर लिया गया है तथा यह भी निश्चित करना होता है कि किसी लेखांकन अवधि के सभी आय एवं व्ययों को उसमें सम्मिलित कर लिया गया है। अन्य लेखों से तुलना, तुलना पत्र एवं लाभ हानि खाते सहित अन्य लेखों से तुलना करके ये पता लगाया जाता है कि अंतिम खाते भली भांति बनाए गए हैं। परिणामों की जांच, लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित परिणामों की जांच करके ये देखा जाता है कि परिणाम सत्य एवं उचित है। वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यदि किसी विधान के अंतर्गत सम्मिलित संस्था का अंकेक्षण किया जाता है तो यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सभी वैधानिक आवश्यकताएँ पूरी कर ली गई है। लिखित समझौते एवं विधान की आवश्यकता, अंकेक्षण की जांच का क्षेत्र लिखित समझौते द्वारा विधान की आवश्यकता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। प्रतिवेदन, नियोक्ता को अपनी जांच के परिणामों के संबंध में यथार्थ रूप से प्रतिवेदन देना, अर्थात इन सभी बिंदुओं पर अंकेक्षक को अपना कार्य करना होता है या अंकेक्षक का कार्य क्षेत्र इनके द्वारा निर्धारित होता है। अंकेक्षण विभिन्न प्रकार के होते हैं, पूर्ण एवं आंशिक अंकेक्षण। पूर्ण अंकेक्षण का तात्पर्य किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच से है। यदि अंतिम खाते वर्ष में दो अर्धवार्षिक बनाए जाते हैं तो ऐसा अंकेक्षण आंशिक अंकेक्षण कहलाता है। आंशिक अंकेक्षण का तात्पर्य किसी व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच न करके उसके किसी एक भाग या हिस्से की जांच करने से है। अंतरिम अंकेक्षण,
अंतरिम अंकेक्षण का तात्पर्य व्यावसायिक काल के बीच में किए गए अंकेक्षण से है। इस प्रकार के अंकेक्षण की आवश्यकता उन व्यवसायों के लिए होती है जो व्यावसायिक काल में बीच में ही अंतिम खाते बनाते हैं, जैसे अंतरिम लाभ घोषित करने के लिए। निपुणता अंकेक्षण, निपुणता अंकेक्षण का तात्पर्य उन बातों की जांच करने से है जिनसे यह पता चल सके कि विभिन्न विभागों की निपुणता के प्रयासों में कहां तक सफलता मिली है, पूर्व निर्धारित योजना द्वारा कहां तक कार्य किया गया है और उसमें कहां कहां और किस किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है। निष्पादन अंकेक्षण, निष्पादन अंकेक्षण का तात्पर्य ऐसी जांच से है जिसमें यह ज्ञात हो जाता है कि कार्य का निष्पादन उद्देश्य एवं लक्ष्य के अनुरूप है अथवा नहीं और उसकी लागत निर्धारित मापक के अनुरूप है अथवा नहीं। लागत अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण का अर्थ लागत लेखों एवं उनसे संबंधित अभिलेखों की जांच करने से है। अन्य शब्दों में लागत लेखों की सत्यता एवं लागत लेखा योजना के अनुसरण की जांच है। कर अंकेक्षण, कर अंकेक्षण का अर्थ आय की जांच, व्यय एवं विशेष प्रकार की कटौतियां तथा कर मुक्तियों के दावों की जांच से है। इसका मुख्य उद्देश्य आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली रियायतें, कर मुक्तियां एवं कटौतियों के दावों की जांच करनी है। प्रबंध अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षण का तात्पर्य संस्था में प्रबंधकों द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन से है। प्रबंध अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रबंध की योग्यता एवं कुशलता की जांच करने से है। प्रबंध अंकेक्षण के मुख्यतः तीन पहलू है, कुशलता अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण एवं निष्पादन अंकेक्षण। चालू अंकेक्षण एवं सामयिक अंकेक्षण, चालू या निरंतर अंकेक्षण का अर्थ उस अंकेक्षण से है जिसके अंतर्गत संस्था के खातों की जांच लगातार वर्ष में अंकेक्षक द्वारा या उसके सहयोगियों द्वारा की जाती है, जबकि सामयिक अंकेक्षण का अर्थ सामयिक वार्षिक या अंतिम अंकेक्षण से है जो वर्ष के अंत में होता है जब व्यापार की सभी पुस्तकें पूर्णतया बंद हो जाती है एवं ऐसे सभी खाते तैयार कर लिए जाते हैं। चालू अंकेक्षण के बारे में विस्तृत रूप से हम बात करें तो चालू अंकेक्षण का अर्थ वास्तव में उस अंकेक्षण से होता है जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से प्रारंभ होता है और निरंतर वर्ष पर्यंत होता रहता है अथवा वित्तीय वर्ष में समयांतर पर अंकेक्षक का स्टाफ अंकेक्षण करता रहता है। चालू अंकेक्षण करने से कई प्रकार के लाभ हैं, जैसे लेखों की विस्तृत एवं गहन जांच, सुविधापूर्वक एवं सुचारू अंकेक्षण, कपट की आदत या दूर या कम होना, कार्य को ठीक रखने का प्रयत्न, अंतिम खातों की शीघ्र तैयारी, अंतरिम खाते तैयार होने में सहायता, भावी योजनाओं का शीघ्र निर्माण। चालू अंकेक्षण के लाभ के साथ साथ चालू अंकेक्षण की कुछ हानियां भी है, जैसे कार्य में बाधा, महंगा, अंकों में गड़बड़ी करने की संभावना, कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव में कमी, कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता, कार्य की किस्म में गिरावट। सामयिक अंकेक्षण का अर्थ ऐसे अंकेक्षण से है जिसमें अंकेक्षण कार्य व्यापारिक हिसाबी वर्ष के अंत में अंतिम खाते तैयार करने से के पश्चात किया जाता है। इसमें अंकेक्षक तब तक कार्य करता रहता है जब तक कि अंकेक्षण कार्य पूरा नहीं हो जाए। सामयिक अंकेक्षण के कुछ लाभ हैं, जैसे यह सुविधाजनक है, अंक परिवर्तन की का भय नहीं रहता है, कम खर्चीला है, कार्य में बाधा नहीं आती है, समय की बचत होती है, कार्य में तारतम्यता का बना रहना होता है। सामयिक अंकेक्षण की कुछ हानियां हैं, इसमें विस्तृत एवं गहन जांच का अभाव रहता है, नैतिक प्रभाव की समाप्ति होती है, अशुद्धियां एवं कपट देरी से जानकारी में आते हैं, अंतिम खातों का विलंब से तैयार होना होता है और देरी से सत मिलती है।
चालू अंकेक्षण एवं सामयिक अंकेक्षण में कई अंतर किए जा सकते हैं। इनके अर्थ के आधार पर जांच की प्रकृति, जांच के समय, अंतिम खातों को बनाने का समय, अशुद्धि एवं कपट के ज्ञान, अंकेक्षण पर व्यय, कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव, सुविधा, अंतरिम अंकेक्षण की आवश्यकता, अंकेक्षण का पूरा होना, उपयोगिता एवं अंकेक्षण रिपोर्ट आदि के आधार पर। धन्यवाद।